हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस पोर्टल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एनडीए के रिगार्डिंग जो उनका एग्जाम का एडमिट कार्ड आता है और कितने दिन पहले आता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो जितना चाहो उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में वो सारे एनालिसिस की गई है जितना कि आप लोग के अंदर डाउट है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना क्योंकि अपने ही भाई का चैनल है और ये एक नया यूट्यूब चैनल है जो डिफेंस से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको सबसे पहले आपके सामने पहुँचाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है ये है कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है वो कितने दिन पहले आता है। जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि एनडीए का एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आता है और ये 99% स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है सो कि एनडीए का एडमिट कार्ड कितने दिन पहले आता है, एग्जाम से कितने दिन पहले आता है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो नोटिफिकेशन पर लिखा रहता है कि 3 वीक पहले एनडीए का एडमिट कार्ड आता है। फ्रेंड्स, जब से मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और जब से मैं एनडीए के बारे में कुछ नॉलेज जाना हूँ उससे मुझे एक ही बात मिली कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है वो 25 डेज पहले आ जाती है। एनडीए एग्जाम से 25 डेज पहले ही आ जाती है एनडीए का एडमिट कार्ड, ये फिक्स है फ्रेंड्स, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता दूं कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है वो एग्जाम से 25 डेज यानी कि 25 दिन पहले एनडीए का एडमिट कार्ड आ जाते हैं, ठीक है। इसको लेकर के बिल्कुल टेंशन मत करना। एनडीए का जो एडमिट कार्ड है 2020 का, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे मेरे को कमेंट बॉक्स में कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है कब आएगा, प्लीज़ बताओ। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि एनडीए का जो एडमिट कार्ड है वो 15 अगस्त तक या फिर 15 अगस्त के बाद किसी भी दिन आ सकती है, बट ये इसमें एक कन्फ्यूजन है अगर हाँ एग्जाम हो तो अब, ठीक है। एग्जाम अगर होगी 6 सितंबर को, अगर सब कुछ सही रहा, सब कुछ ठीक रहा, तो 15 अगस्त के बाद एडमिट कार्ड किसी भी दिन रिलीज कर दिया जा सकता है, ठीक है। 25 डेज पहले एनडीए का एडमिट कार्ड आता है, हो सके कभी किसी रियल की वजह से 20 डेज हो जाए पहले आ जाए या 15 डेज ही हो जाए, कुछ लेट ही हो सकता है। सो ऐसा कुछ कहीं ले जा सकता है, बट जो एनालिसिस मैंने किया वो 25 डेज पहले एनडीए का एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, एनडीए का एडमिट कार्ड आप लोग का आ जाएगा जब जब आए जब तक आए, लेकिन 15 अगस्त लेकर के 25 मैक्सिमम 25 अगस्त तक जा सकता है आप लोग का एडमिट कार्ड। अभी मैं 2020 की बात कर रहा हूँ जिसका एग्जाम जो है कॉमन एग्जाम होने वाला है, LDA 1 एंड LDA 2 दोनों का उनका। और सेकेंड बात इसी में है कि LDA 1 और LDA 2 दोनों का जो एडमिट कार्ड है वो एक ही आएगा या LDA 1 LDA 2 दोनों का अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट किए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूँ कि LDA 1 और LDA 2 दोनों का एग्जाम एक ही होने वाला है, दोनों का एग्जाम सेंटर भी एक ही रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, एनडीए का एडमिट कार्ड जो है वो एक ही एडमिट कार्ड लेकर के आपको एग्जाम सेंटर पे जाने होंगे और एक ही एग्जाम सेंटर होंगे। ये नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट किए थे कि LDA 1 LDA 2 का दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा, इन दोनों का एग्जाम एक ही दिन होगा, दोनों का एग्जाम सेंटर अलग अलग होगा, कहाँ पर मैं एग्जाम देने जाऊँगा। ऐसा मानसिकता मत रखना मेरे स्टूडेंट्स, प्लीज ऐसा ये मत सोचना, ऐसा नहीं हो सकता है कि UPSC का एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही एग्जाम, दो दो सेंटर पे आपको जाना होगा। एनडीए का एक ही एडमिट कार्ड मिलेगा, एक ही एग्जाम सेंटर होंगे, एक ही डेट, एक ही टाइम होंगे, एक ही पेपर होंगे और आपको एग्जाम देने होंगे उसी दिन। बट LDA 1 और LDA 2 दोनों का जो है कि उनका कट ऑफ और उनका जो रिजल्ट है वो दोनों का अलग अलग डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि LDA 1 का कट ऑफ और LDA 2 का कट ऑफ अलग अलग रखा जाएगा और LDA 1 और LDA 2 दोनों का रिजल्ट अलग अलग रखा जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट LDA 1 में क्वालिफाई करेंगे उनको LDA 1 के लिए रखा जाएगा या LDA 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको LDA 2 के लिए। अगर वो दोनों क्वालिफाई करते हैं तो दोनों क्वालिफाई माने जाएंगे और दोनों का कट ऑफ अगर पार कर जाते हैं तो, और उनको दो दो SSB देने का मौका मिलेगा, यानी कि LDA 1 के लिए भी वो SSB दे सकते हैं और LDA 2 के लिए। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए और मैं पहले से बताता आ रहा हूँ और बहुत सारे जो है LDA के बारे में जो आपको बताते हैं वो भी बताया होगा आप लोग को और ये पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो सही से सुन लेना और ये मैं 100% श्योरली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फालतू का बोलते जा रहा हूँ और आप लोग सुनते जा रहे हो, ऐसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, आप लोग का जो डाउट था वो क्लियर कर दिया गया है, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप लोगों के अंदर कोई डाउट रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा भी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो अपने उस फ्रेंड तक पहुँचा देना जिनको इनके बारे में जानकारी चाहिए जो इस बार LDA का एग्जाम देने वाले हैं। और साथ ही साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक अवश्य कर देना जिससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आगे कुछ अच्छा अपडेट लाने का
जो होता है प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एनडीए का प्रिपरेशन करता हूँ, मैं भी इस बार एग्जाम देने वाला हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये अपडेट पहुँचाता रहता हूँ। मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, बचपन से मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं यूट्यूब पर आया हूँ आप लोगों के साथ अट्रैक्शन बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, मेरे इस जो गोल है इसको साकार दिला, क्योंकि मैं एनडीए के साथ साथ यूट्यूब को भी बेहतर मानता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।